तरफ करियर बनाते हैं और तीसरी तरफ महिला गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज है हमारा अनुभूति जो मतलब कई बार से टल रहा था, इतने दिनों से टल रहा था, तो फाइनली आज वो आ गया। ठीक है, तो आज है 14 तारीख और फर्स्ट डे हमारा अनुभूति है। तो फर्स्ट मतलब अनुभूति का पहला दिन है, तो आज हमारा परफॉर्मेंस है, पहले दिन का परफॉर्मेंस हमारा ही है। हमारा पहला दिन का परफॉर्मेंस हमको ही करना है। ठीक है, BTV पहला उतर रही है, ठीक है, परफॉर्म करने एंड अपना बहुत प्रैक्टिस चला है, कम से कम 15-20 दिन से प्रैक्टिस चल रही थी। ठीक है, एंड बीच में टली भी थोड़ी, फाइनली अब हो गया है एंड ठीक है। और मेरी जो पार्टनर है अभी मैं बता दूँ, ठीक है, अभी क्या बताऊँ, डिसाइड, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी तो डिसाइड नहीं हुआ था अब तक मैं किसके साथ कर लूँ। तो मतलब उसकी तबीयत खराब थी, अब वो बेचारी नहीं आ पाएगी। तो मैं एक चीज़ और गैस बता रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ना 2 दिन पहले मेरे को पता था कि अनुभूति है 14 को, तो देखो बाल सही करा लिया मैंने, कट करा ली है दाढ़ी भी, ठीक है, क्योंकि पिछली बार की तरह बुरा बन के नहीं जाना मेरे को। पिछली बार मेरा दाढ़ी हट गया था, मैं गलती से सेट कर रहा था, पूरा हटाना पड़ा था मेरे को, बस इस बार दाढ़ी भी सही है, मूछ भी सही है, ना देखो बाल सही है। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड क्या बोलते हैं, मैं ड्रेस चेंज नहीं किया, मैंने शर्ट चेंज नहीं किया, ऐसा ना समझना कि नहाया नहीं मैंने, मैंने नहा लिया, ठीक है। और शर्ट भी, शर्ट नहीं चेंज करूँगा क्योंकि वहाँ पे चेंज करना है एंड उनको पैकिंग भी करनी है, तो बैग तो मेरा वहाँ पे है, ठीक है, बैग मेरा वहाँ पे रह गया है, तो उसकी वजह से अभी दूसरा बैग ले जाना पड़ेगा, भैया का ले जाना, ठीक है। एंड अभी मेरे पास दो शर्ट है यहाँ पे एक मिनट, अभी इसको मैंने आयरन किया है, ये मेरे पास टी शर्ट है, मेरे पास शर्ट जो था वो है नहीं अभी, तो अभी ये काम चला रहे हैं इससे, वाइट ब्लैक एंड ये जीन्स है अपना। अभी मैं पहुंच चुका हूं यूनिवर्सिटी एंड अभी कुछ काम से बाहर भी गया था, दुपट्टा लेना था, ठीक है, तो उसकी वजह से बाकी अभी मैं पहुंच गया हूं, आप दिखा दूँ उनको यहां से। तो आज की डेकोरेशन थोड़ी अलग है, मतलब पिछले बार जो फ्रेशर हमारा हुआ था उससे बढ़िया है, ठीक है, डेकोरेशन, क्योंकि ये बड़े लेवल पे होता है एंड 3 साल बाद होती है शायद अनुभूति, तो इस बार मैं हूँ तो इस बार भी हो रहा है। देखो लाइटिंग अभी रात को होता है, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, ये शाम को स्टार्ट होता है, ठीक है, 5 बजे से, तो अपना कंपटीशन है 12 बजे से, ठीक। देखो ये लाइटिंग लगी है, दिख रहा होगा, लाइटिंग लगी है, रात को अच्छे से चलेगा, ये देखो उधर भी स्टेज ही अपना, इधर ही सेम वही स्टेज है जो हमारा फ्रेशर में था। एंड देखो डीजे, सफाई अभी चल रही है, सुबह का काम है, फिर देखो कंपटीशन कहाँ होता है। और ये देखो फूल, देखो भाई देखो गाइस दूर दूर तक लगा है एंड यहाँ पे गेम होगा शायद हम लोग का, जैसे BVD भी है यहाँ, भी कुछ दिन पहले BVD में भी हुआ था, तो देखो यहाँ पे गेम होगा हमारा, ये जो चॉकलेट बना है कल यहाँ पे होगा गेम एंड विनर भी होते हैं यहाँ पे। A few moments later कैमरा बॉय को दिखाते हैं, मैं कैमरा बॉय, ये अपने आपको सारे भैया हैं सीनियर। A few moments later. तो गाइस अभी हम आ गए हैं चेंजिंग रूम में, ठीक है, ड्रेस चेंज कर लें एंड यहाँ पे हम लोग का ग्रुप है पूरा BTV एंड ये हमारे क्या बोलते हैं ये ब्लॉग के ये हमारे डांसर हैं एंड वहाँ पे भैया हैं, तो जाते हैं, हाय करो, हाय सब्सक्राइब टू माय चैनल।
हमारे टेक्निकल वाले हैं भैया, हम भी टेक्निकल है, ये भी टेक्निकल है, टेक्निकल है मैनेजमेंट, टेक्निकल टीम से सलाह, हमारे कोरियोग्राफ करते हैं, इनका नाम जियान है ऊपर ए तीसरी फेल पीटी पास, मैं बी इंग्लिश हूँ समझे, इनका नाम जियान है, छोटा सा जियान है, ये दुबे हमारे लाइन मार रहे हो, कहा था ना मैंने होश में, दुबे तो अभी हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे एंड इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस है थोड़ी कंपटीशन वाला, ठीक है, तो 11 बजे से है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर करेंगे, उसके बाद अभय आ रहा है तो अभी शूट करेगा, बाकी देखो देखो एक बार यहाँ से स्टेज, इतनी धूप है, ठंडी खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट, एंड देखो वहाँ पे स्टेज, तो स्टेज पे हम लोग अभी जाएंगे थोड़ा एंड अभी चेंज कर लेते हैं, नहीं नहीं आपको ब्लॉग में ले रहे हैं जावेद भैया है अपने, देखो हमारे को कोर मेंबर है, सॉरी क्या गुंडा बनेगा रे तू जो भी, एंड अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस होने जा रही है एंड देखो अपने कुसार भैया समझा रहे हैं सबको, सब अच्छे से करना है ये वो, एंड हम तो बाहर आ गए। One hour later. Guys, ये फोन सौरभ का था, अभी मैंने हैक मार लिया है, अभी मेरे पास है, आपको ये वीडियो मिलेगी उसके ब्लॉग में, देखने के लिए आगे बने रहिए मेरे साथ, हम तो जा रहे हैं हॉस्टल जैसे यार, ये बगल में मेरे साथ ही इसी का है, अभी आ गए हैं एंड अभी हम लोग साथ में हैं, प्रैक्टिस छूटी रही है, लेट पे लेट हो रहा है एंड देखो स्टेज पे आ गए, स्टेज के पास तो स्टेज भी दिखा रहे हैं, स्टेज के पास पहुंच गए हैं हम, मतलब पहुंचने वाले हैं अभी, तो चल रहा है, आउटफिट देखो भाई आज का पूरा इनका, मेरा आउटफिट देख लो भाई, एंड अपना तो ये है ही काला कलुआ लग रहे हैं हम, सामने देख रहे हो पूरी लाइन से खड़ी है गाड़ी, आज पार्क हुई है सब यहीं पे, देखो ये हॉस्टल है, हॉस्टल साइड आए हम लोग, तो आगे भी और पीछे भी हॉस्टल है, देखो रोहित भाई की बात खत्म ही नहीं हो रही, ये दुनिया बहुत खराब है ना, थोड़ा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ज्यादा तो यहाँ पे स्टेज की हालत देखो, तेरे पास आते नहीं, A few moments later. Hi, भाई तुम खाना खा रहे हो, शाम को यहाँ हमारे लिए बना के लाए, उसके साथ भैया बना के लाए, भैया मजा आ गया, भैया हमारे नहीं लाए, देख लो झूठ बोल रहे, छोड़ दो गद्दारी करते, तुम्हारी बहन के चोर भैया ने पैसा बचा लिया, सबके लिए नहीं आता, वो स्पेशल लोगों के लिए आता है, स्पेशल देखो बात ऐसी है कि ये सब खाते मेरा रोज टिफिन, ये खाती नहीं है क्योंकि घी इनको अलाउड नहीं है, अच्छा 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 ठीक है, तो इनके लिए स्पेशल आज ना के लिए क्या गाइस, बट आई लाइक घी, इसको घी नहीं पसंद है, इस चक्कर में ये बना, बट मुझे खाने को मिल गया, ये ना इंसाफी है गाइस, ना इंसाफी है मेरे चैनल को, ये है वो हो गया, कुछ तरीका है भीख मांगने का, ये अब अभी खाली खत्म हो गया, लिटरली मुझे तो लग नहीं रहा था, सब ये बताए सुनो गाइस, पूछो पहले इन्होंने किस किस क्रंची पहनी है, किसके नाम पहनी, ये सबके लिए बना के म्यूजिक, लेकिन Keep your voice down. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर, तो गाइस अभी क्या कंपटीशन साइड में हो रहा है, ये अलग से थोड़ा ठीक है साइफर है, तो ये भी अलग से होगा, एंड देखो बाहर की टीम है बीबीडी एंड ये अपनी SRM के हैं एंड यहाँ पे जज बैठे हैं हमारे एंड वहाँ पे टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम एक डांसर भी है एंड यहाँ पे भी है ये श्रेया मैम, देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीना, जी 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 आंखें देखो नी।
सुन ललारिया वे आलोक मेरे ते हस दे पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तो दस दे सुन लवी दी तुसी मचाई दी आला फोटो भी फरारी लाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे भाई चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरी शादी गड्डी दे नाल दी One hour later. चॉकलेट यार कोशिश तो करो हो सकते हैं पूरे पूरे दस कैच करते हैं चॉकलेट कैच करना है ना करेंगे जरूर क्रिकेट में माहिर हो जो कैच करने में माहिर हो कर सकते हैं अनुभव ये क्या है क्लियर है वो हमारी टीम जा रही है परफॉर्म करने दूसरी परफॉर्मेंस के लिए हमारा दूसरा परफॉर्मेंस है शाम हो चुकी है एंड 5 बजने वाले हैं तो हम देखो हमारे आयुष भाई हैं हमारे सुपर सीनियर हैं पीछे हमारा ग्रुप है बस आ रहे हैं का नजारा देखो हम लोग आ रहे हैं पकड़े नहीं हो गए हेलो गाइस अब जा रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस से ये आपको वीडियो कल मिलेगी इधर देखो पीछे हमें इधर देखो हम लोग जा रहे हैं हमारा कॉम्पिटिशन है बहुत नर्वस है हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं देखो ये आगे काफी अच्छा जाने वाला अपना थैंक यू ऑली देखिए इधर देखिए हमारे छात्र जीवन में ऐसे करके लो ऐसे ऑल द बेस्ट हर कोई कार्ड देता है जिंदगी ऐसी जियो अभी मजा आएगा ना भिड़ो मसल
औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बल्ले बल्ले तेरे गान, बल्ले बल्ले तेरे
One hour later. साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का। देखो पीछे बीच होते हुए हम जा रहे हैं अबे के साथ, एंड अबे देखो लड़की के पीछे, गाइस लड़की का चक्कर ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का, ये गिफ्ट कॉर्नर है ना, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब, चलो चलो चलिए गाइस, हक तो दे लो पंडे में, क्या बोल रहे हैं, हे राम मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता, मर जा। हाय बोलो, हाय इतनी ज्यादा हो, करियर बनाते हैं और तीसरी तरफ महिला मित्र बनाते हैं, यार आगे बताओ एक बात, आप ऐसे इतने बड़े व्यक्ति को आप अगर जोरदार तालियां बजाने के नहीं सकते तो फिर ये हमारी जो बहुत खराब बात होगी, जोरदार तालियां बजाने के बना दीजिए, फिर आप बोले कैसे शायरी सुनते हैं, एक बात मैं और बता दूं, मैं तीसरा अच्छा मन से सुन रहे हो, ताली एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है, फिर क्या होता है जो अंतिम बात है, शादी की तिथि पक्की होती है, घर जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज तो मेरा दिन भर में घर जाने का मन नहीं करेगा, मन नहीं करता, ढेर सारी हो रहे हैं।